Hare Krishna. Hare Krishna. तो बहुत कृतज्ञ हूँ मैं आप सबके बीच आज यहाँ पे भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने का मौका मिल रहा है। तो आज रामायण के आधार पर मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि किस तरह से हमारे मन में संशय आते हैं और उस संशय के परे कैसे जा सकते हैं। रामायण जो ग्रंथ है यह अधिकांश रूप से इट इज अ रिलेशनल बुक, संबंधों से भरा हुआ है। और संबंध जब होते हैं तो संबंध में किस तरह से गलतफहमियां आती है, किस तरह से छोटी चीजें बड़ी हो सकती है, यह सब रामायण में बड़ी नाट्यात्मक पद्धति से बताया गया है। तो हम किष्किंध कांड जो है उसमें से एक प्रसंग की चर्चा करेंगे कि जब पांडव जब वानर को भेजा गया सीता की खोज के लिए, सबसे सब सबकी अपेक्षा थी प्रभु रामचंद्र के औरों की कि जो दक्षिण में जो समूह जा रहा है वह की सीता को खोजेगा, खोज पाएगा। क्यों क्यों दक्षिण वाला खोज पाएगा, कोई बोल सकता है? देखा था जब सुग्रीव ने जब देखा था सीता जा रही है तो दक्षिण की ओर जा रहा था, रावण लेके जा रहा था, जटायु ने भी देखा था, पर तब तो असुर तो मोह माया करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि रावण पहले दक्षिण चला जाए तो बाद में उसकी दिशा में चला जाए, पर बाद में युद्ध खत्म होने के बाद आराम से आसमान से जा रहा था रावण तो दक्षिण दिशा में जा रहा था। और तब रावण ने ध्यान भी नहीं दिया, देखा भी नहीं कि सीता ने कुछ अपने गहने नीचे डाल दिए वानरों को देखकर, तो तभी जो दिशा में जाते वही सत्य हो सकती थी उसको। तो इसीलिए जब दक्षिण में जो दिशा में जो वानर जाने वाले थे उसमें कई बड़े शक्तिशाली वानर थे, सबसे पहले था हनुमान जी जिनको प्रभु श्री रामचंद्र ने खास करके सीता को दिखाने के लिए एक रिंग दी, सिग्नेट दिया उनको। तो उसके साथ साथ उस युद्ध के जो प्रधान थे वो अंगद थे। अभी अंगद की जो परिस्थिति थी थोड़ी विचित्र थी, अंगद राजकुमार था पर अभी इतना बड़ा नहीं था कि खुद स्वयं राजा बन सके। और जब वाली का वध हुआ था तब वाली ने अंगद और वाली ने अपने मृत्यु के पहले जो घृणा या नफरत का भाव हो उसको निकालने का प्रयास किया था। उसने कहा था कि सुग्रीव से कि आप तारा और अंगद का कोई दोष नहीं है, गलती मेरी नहीं थी, तो उनके प्रति आप कभी क्रोध मत करो। और उन्होंने तारा और अंगद से भी कहा कि मैं मेरे कर्मों से ही मेरी मृत्यु हुई है, तुम सुग्रीव को दोषी मत मानो, तुम सुग्रीव के आश्रय में रहो और सेवा करो। तो फिर जब इस तरह से बताया गया था तो तभी अंगद ने ये बात मान ली। फिर भी और अंगद इस तरह से था कि क्योंकि उसने जब राम को देखा तब क्या होता है तो राम के प्रति अंगद की श्रद्धा बढ़ गई, पर सुग्रीव के प्रति अभी भी थोड़ा संदेह था, थोड़ा नकारात्मक भाव था। कि हमारे मन में कैसे होता है, जो लोगों को हम हमेशा मिलते रहते हैं जब उनसे बात करते हैं हम तो हमारे पहले जितने भी हमारे वार्तालाप हो गए उसके आधार पर उसके प्रभाव में आकर हम उनसे वार्तालाप करते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं, लोग रास्ते पर घूमने जाते हैं तो किससे मिलते हैं तो बड़ा स्माइल करके गुड मॉर्निंग कैसे हाय हेलो, और वही लोग घर में आते हैं तो घर में किसी से अच्छा बात नहीं करते, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो पीपल आर पोलाइट विद दोज हु दे डोंट नो वेरी वेल, जो आप जानते नहीं है उनसे अच्छा बर्ताव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिनको हम अच्छे से जानते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करना मुश्किल होता है। तो उस तरह से
अंगद का ये राम से परिचय पहली बार था, इसलिए अंगद का राम के प्रति आदर था, पर अंगद के मन में सुग्रीव के प्रति अभी तक संदेह था कि सुग्रीव ने मौका मिलते ही अपने भाई को, मेरे पिता का वध कर दिया। और फिर जब ये वानरों का युद्ध दक्षिण दिशा में गया, काफी समय तक गया था, पर फिर भी वह कुछ यश प्राप्त नहीं कर पाए। जब यश प्राप्त नहीं कर पाए और ढूंढते 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 गए, पर कहीं भी वो सीता का कोई लक्षण नहीं मिला, तो वह हताश हो गया। तो कई बार क्या होता है कि जो लोगों में कुछ मतभेद होते हैं, तो बाहर से सब कुछ ठीक चल रहा है तो मतभेद ज्यादा दिखते नहीं है, पर समस्या आने लगती है तो फिर क्या होता है, वो मतभेद बढ़ जाते हैं। क्योंकि समस्या आती है तो क्या होता है, जब समस्या आती है तो हम सब ये समस्या का कारण क्या है ढूंढने का प्रयास करते हैं, समस्या के किसी को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऐसे कहते हैं कि जो यश होता है उसके बहुत माता पिता होते हैं, पर जो अपयश होता है वो हमेशा अनाथ होता है। जो अपयश होता है कोई जिम्मेदार नहीं है, मैंने नहीं किया। तो उसी तरह से क्या होता है, जब ये वानरों को अब सीता को प्राप्त करने में अपयश मिलने लगता, अपयश होता है उनका, तो वो हताश होने लगते हैं। और हताश होने लगते हैं तभी अंगद के हृदय में जो घृणा होती है वो बढ़ने लगती है। और जब वानर गए होते हैं तो तभी जा रहे होते, तभी सुग्रीव ने सब वानरों से कहा था कि एक महीने के अंदर ढूंढ के लिए ढूंढो और एक महीने के अंदर वापस आ जाओ। और कहा था एक महीने से देर से ज्यादा कोई भी अगर आएगा तो उसको सजा दी जाएगी। अभी ये किस लिए बताया गया था कि वो जो उसकी जल्दी है, जितना महत्व है, वो बताना जरूरी था उसके। तो कभी कभी कई ऐसे विधान किए जाते हैं जो रेटोरिकल होते हैं। रेटोरिकल मतलब वो उनका जो शब्दशः अर्थ है वो शब्दशः अर्थ लेना नहीं होता है, उनका जो भाव, उसके पीछे जो भाव है वो महत्वपूर्ण होता है। तो कभी ऐसे शब्द होते हैं जिनका भाव महत्वपूर्ण होता है पर उसको शब्दशः अर्थ लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि अगर अभी भगवद्गीता को ही देखते हैं, भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि जो लोग नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं वो अपने आत्मा का नाश कर देते हैं। तो अभी आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। फिर जब कह रहे आत्मा का विनाश हो जाता है तो ये क्या मतलब है, ये एक तरह से कि आत्मा, आत्मा की आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो है उसका विनाश हो रहा है। यह शब्दशः अर्थ नहीं है, भाव है इससे। तो जो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो भाव, उनमें भाव महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई पिता किसी बच्चे से, अपने बच्चे से, कोई बच्चा कुछ गलत कार्य कर रहा है, तुम अगर ये करने वाले हो तो तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तभी ये कहने का भाव ये नहीं कि तुम घर से निकल जाओ, कहने का भाव ये कि तुम ये मत करो। तो उसका अगर दूसरा अर्थ लेते हैं, तो शब्दशः अर्थ लेते हैं, तो कई बार छोटी चीजें बहुत बड़ी बन सकती है। तो अभी जो सूर्य ने बताया था तो शब्दशः अर्थ नहीं था, वो भाव था कि आप समय, आप तेजी से ढूंढो और समय पर वापस आ जाओ। पर क्या होता है, हमारा मन जो होता है वही बात जब सुनते हैं तो हम हमारे दूसरे व्यक्ति के प्रति जो भावना है उसके अनुसार उनके वचनों को हम समझते हैं। अभी क्या, अभी जब वानर सोच रहे थे क्या करना है हमें, तो तभी कुछ वानर कहते हैं कि हमने अभी काफी ढूंढ लिया, कहीं सीता में, कहीं हमको सीता मिली नहीं, वापस जाके बोलते हैं समय भी हो चुका है, समय से ज्यादा हो चुका है, तो वापस जाते हैं हम बोलते हैं सुग्रीव को, और फिर देखते सुग्रीव क्या कहते हैं। पर अंगद कहने लग गया कि हमें वापस नहीं जाना चाहिए,
अगर हम वापस जाएंगे तो वहां पे हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सुग्रीव हमें सजा देगा, शायद हमें मार भी डालेगा। तो हनुमान जी वहां पे थे, ये क्या कह रहे हो? बाकी माता कहीं से ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कभी नहीं होगा, सुग्रीव कभी ऐसे नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपने ही भाई को मार सकता है अपने स्वार्थ के लिए, वो दूसरों को मारने के लिए उसकी क्या बड़ी बात है। तो जब ऐसा कहने लगता है, अभी अंगद वो युद्ध का राजा, युद्ध का प्रधान होता है और अंगद राजकुमार भी है, तो अभी वो जो दोनों जो सारे मानव होते उन्हें उपद्रव बन जाता है और फिर उन दोनों में एक दो समूह बन जाते हैं और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तो अभी जाम भगवान हनुमान सब अंगद को समझाने का प्रयास करते हैं पर अंगद सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी एक कहावत है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान घास का होता है। वो एक हाथी जीते दूसरा हाथी जीते, एक हाथी घायल हुए दूसरा हाथी घायल हुए, पर सबसे ज्यादा जो चोट होती है जो घास होती है उसको लगती है। तो उस तरह से दो कोई वरिष्ठ या नेता के पद में कोई दो लोग होते हैं, अगर उनमें झगड़ा हो जाता है तो उनको भले ही कुछ प्रभाव ना हो पर उनके अधीन जो भी होते हैं उनका उनकी बड़ी हानि होती है, उनका बड़ा नुकसान होता है। तो इसीलिए अगर कोई मतभेद भी है, झगड़ा भी है, तो बेहतर है कि वो प्राइवेटली व्यक्तिगत रूप में उसका उसका निवारण कर ले, कि सारी दुनिया के सामने जो व्यक्तिगत झगड़ा है वो लाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो गया था, अंगद का भाव इतना, अंगद का क्रोध घृणा जो भी थी वो इतनी प्रबल हो गई थी इस समय कि वो सुग्रीव की भर्त्सना करने लग गया और वो कहने लग गया कि हमें कदापि वापस नहीं जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, हमें काफी ढूंढ लिया कहीं सीता मिल नहीं रही, लेकिन वहां पे जाके हमें सुग्रीव हमारे सब परिवार वालों हमारे सब वासियों के सामने वो हमारा वध कर देगा, वो हमें गुनेगार बोल देगा और उनके सामने हमारा वध कर देगा। उससे बेहतर है कि हम यहीं पे हमारा शरीर त्याग देते हैं। इस तरह से जब वो सोचने लग गया तो तभी कुछ वानर उसके पक्ष में आ गए, कुछ वानर हनुमान जी की बात सुन रहे थे। हनुमान जी बोले ऐसे कभी नहीं होगा, सुग्रीव कभी अन्याय नहीं करेगा। पर वो बात सुनने को तैयार नहीं थे। क्या होता है कि भगवद्गीता में 18वें अध्याय बताते हैं भगवान कि तमोगुण का प्रभाव हो जाता है। तमोगुण से जब हमारी दृष्टि प्रभावित हो जाती है तो हम जो भी देखते हैं वो पूरी मात्रा में नहीं देखते, उसमें एक चीज को देखते हैं और वो एक चीज को सब कुछ बना देते हैं। यत्तु कुछ नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदहरतम्। भगवान कहते हैं कि कृत्स्नवत् एकस्मिन्, एक चीज को सब कुछ बना देना, ये तमोगुण का लक्षण है। जब ऐसा लक्षण हो जाता है किसी का तो किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले ऐसे किया था, इसका मतलब ये वैसे व्यक्ति ऐसा ही है, उसने ऐसे बोला था मुझे, इसका मतलब इसका स्वभाव ऐसे ही है। तो जो कोई भी व्यक्ति होता है उनका चरित्र या उनका स्वभाव में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, कुछ सद्गुण होते हैं कुछ दुर्गुण होते हैं और इन सबको मिलके वो व्यक्तित्व बनता है। फिर कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भाव है तो वो व्यक्ति एक शब्द क्रोध में बोलते हैं। तो अगर हमारा नकारात्मक भाव है तो हम बोलेंगे देखो कितना क्रोधी व्यक्ति है, पर अगर हमारा व्यक्ति सकारात्मक भाव है शायद कुछ परेशानी ना होगी। तो कार्य वही है, वचन जो है वही है, पर उसका निष्कर्ष हम अलग अलग निकालते हैं। इस तरह से जब हम दूसरों के क्रियाएं देखते हैं तो दूसरों की क्रियाओं के आधार पर हमारे मन में कुछ भावनाएं आती है,
क्रियाओं के आधार पर हमारे मन में कुछ निष्कर्ष हम करते हैं, पर वास्तव में वो क्रियाओं के कारण वो भावना या निष्कर्ष नहीं आ रहे, वो क्रियाओं के साथ साथ उनके बारे में हमारे मन में जो संकल्पनाएं हैं वो संकल्पनाओं के कारण वो भावनाएं आ रही। सो पीपल्स एक्शंस डोंट कॉज अवर इमोशंस, इट्स अवर ओन कंसेप्शंस अबाउट देम कॉज अवर इमोशंस। वही भावना है हमारे संकल्पनाओं के कारण आती है। तो ये संकल्पनाओं को समझना और संकल्पनाओं को सुधारना ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रवचन है ये तीन विभागों में लूंगा मैं। इसका पहला पार्ट ये था कि हमारी जो भावनाएं आती है वह दूसरों को खुद के दूसरों के कार्यों से ही केवल नहीं आती है पर हमारे संकल्पनाओं से भी आती है। तो इस पॉइंट तक किसी कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन एनी कमेंट? तीन पार्ट में लूंगा, हर एक पार्ट में के बाद कुछ समय होगा अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी तो अगर हमारी संकल्पनाएं जो है वह तो हमारे दृष्टि के अनुसार या दृष्टिकोण के अनुसार निर्धारित होती है बनती है, तो हमारे दृष्टिकोण कैसे बदल सकते हैं? देखिए इसमें कैसे है? ये ऐसे होता है कि वो ऐसे मुर्गी पहले आए अंडा है पहले अंडा पहले आया, तो हमारी दृष्टि पहले आई या हमारी संकल्पना पहले आई? तो जो भी पहले आया हम जहाँ से भी परिवर्तन शुरू कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर हमारे किसी की व्यक्ति के प्रति दृष्टि नकारात्मक है, जो व्यक्ति कोई व्यक्ति देखते ही हम तो हमारे मन में उसके बारे में बुरे विचार आने लगते हैं। तो अभी उस समय अगर वो व्यक्ति कुछ बुरा कार्य करता है कुछ अच्छा कार्य करता है तो क्या होता है, अच्छा कार्य करता है तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते उसको, दिखावा कर रहा है ऐसे कुछ भी बोल के छोड़ देते हैं। तो अच्छा कार्य करता है तो उसकी ओर भी देखना चाहिए, और उसके साथ साथ संकल्पना है तो अगर हमें लगता है कि व्यक्ति बहुत बुरा है तो अगर दूसरे कोई हमारे मित्र हैं हमारे दूसरे जान पहचान में हैं वो उस व्यक्ति के बारे में बहुत सकारात्मक है तो हम उसे बातचीत में कर सकते थे कि तुम्हें इस व्यक्ति में क्या क्या सदगुण दिखते हैं, तो ऐसे कर सकते क्या करते हैं हमारे संकल्पनाओं को परिवर्तित कर सकते। तो इसमें क्या पहले करना है, जो जो भी हम पहले कर सकते हैं वो पहले करना है। तो अभी दृष्टिकोण को बदल सकते हैं या दृष्टि को बदल सकते हैं कि जब वो सकारात्मक कार्य अच्छे कार्य करें तभी उसको देखना, और उसको कुछ नकारात्मक रूप से उसका अर्थ नहीं निकालना, उसे उसी तरह से देखना। और दूसरा है कि उनके बारे में अलग प्रकार की संकल्पनाएं हैं दूसरों के हमसे अलग संकल्पनाएं उसको भी सुनना, उनसे बातचीत करना कि हम उसको ठीक है ये भी हो सकता है पर ये सिर्फ एक पहलू है, इसके अलावा दूसरे दृष्टिकोण भी हो सकते हैं, ये समझना चाहिए। फिर ओके यस हरे कृष्ण। तो हमारी संकल्पनाएं दूसरों के संकल्पनाएं के द्वारा प्रभावित भी होती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि ये एक तरह से अनिवार्य है कि क्योंकि हम सबसे उतनी मात्रा में आदान प्रदान नहीं कर सकते, सबके साथ उतना समय नहीं सकते। तो अगर कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय ज़्यादा समय व्यतीत किया है तो उनके उनसे हम कुछ सुनते हैं, अच्छा ऐसा है तो ये एक तरह से अनिवार्य है, पर इसमें हम तीन चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले हम किससे सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं मतलब कि अगर हम एक समुदाय में रहते हैं सबकों के समूह में रहते हैं तो कुछ समय में रहने के बाद हम खुद समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है साधारणतः लोगों के बारे में नकारात्मक बात करता है, ऐसे नहीं कि वो गलत है पर नकारात्मक बात करते हैं, और कुछ व्यक्ति हैं सकारात्मक बात करते हैं। तो कुछ तो हमें वो हम किससे सुन रहे हैं, दूसरों की संकल्पनाओं से हम
हमारी संकल्पना प्रभावित होगी, पर किसकी संकल्पना है वह हमें देखना चाहिए। तो अगर कोई वो वरिष्ठ भक्त है या कोई वरिष्ठ है जो विश्वास पात्र है उनसे सुनते हैं तो फिर उसको हम और गंभीरता से लगते हैं, उसे किसी सुनते सुनते हैं तो ठीक है, एक व्यक्ति का ऐसे ऐसे विचार हो सकता है ठीक है, पर उसकी कोई क्या, हर कहानी के अनेक पहलू होते हैं, तो इसीलिए वो उनकी संकल्पना को कितना गंभीरता से लेना है वह हमें बुद्धि से हमें देखना है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ काफ़ी आदान प्रदान करने वाले हैं, उनके साथ हमेशा काफ़ी समय तक सेवा वगैरह करनी है, तो फिर अगर किसी और से हमने कुछ सुना है और उससे हमारे मन में कुछ प्रभाव हो गया है तो बेहतर है कि उसका स्पष्टीकरण कर लें। क्या होता है कि हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, वह समस्या हो जाती है। वी स्पीक मोर अबाउट ईच अदर देन विथ ईच अदर, मतलब क्या है, मुझे इस व्यक्ति के बारे में ऐसे कुछ संकल्पना है तो हम ऐसे आक्रामक पद्धति से नहीं पर एक नम्र भाव से उनसे पूछ सकते हैं कि ठीक है ये उस प्रसंग में क्या हुआ था, ये बताने की जरूरत नहीं कि मैंने ये सुना था इसके बारे में तुम ऐसे हो वगैरह, तो उस वहाँ पर क्या हुआ था ऐसे पूछ सकते हैं, तो उनको उनके उनको स्पष्टीकरण करने का मौका दे सकते हैं। तो इसीलिए दूसरों से भी हम सुनते हैं और ये सबके बात नहीं कर सकते, पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है जिनके जिनसे हमें बार बार आदान प्रदान करना है तो उनके साथ बेहतर है कि ये सीधा स्पष्टीकरण कर लें। और स्पष्टीकरण कर समय क्या है, इसके भी पूरा एक प्रवचन है मेरा सेमिनार एक्चुअली, क्या है कि हम कोई व्यक्ति का कोई कार्य है, एक एक प्रसंग है, उस प्रसंग में उस व्यक्ति का कोई कार्य है और उस व्यक्ति का कोई गुण है या दुर्गुण है, मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्रसंग घटना हुई है उसमें हमने सुना है कि इस व्यक्ति ने कुछ बेईमानी की और तो क्या है, इसमें एक है वो घटना, दूसरा है उस घटना में इस व्यक्ति का कार्य है और तीसरा है कि उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में एक निष्कर्ष निकालना कि तुम बेईमानी हो। तो अभी क्या है, जब हम स्पष्टीकरण में चाहते हैं कि अगर तो बेहतर है कि जो भी चीज़ किसी से बात करनी है तो अगर मान लीजिए कोई सर्जरी करनी है किसी को तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार, अगर सिर्फ यहाँ पर हमारा स्किन है तो उसको काटते हैं तो उसको इतना दर्द नहीं होता है, उसको अंदर जाते हैं मांस को काटते हैं तो और दर्द होता है, उसके अंदर जाते हैं जहाँ पे हमारे नर्व्स होते हैं उसको काटते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो वैसे ही क्या है कि वो प्रसंग है, वो व्यक्ति का कार्य है और व्यक्ति का चरित्र है, तो अगर वो व्यक्ति के चरित्र के बारे में कुछ बोलते हैं तुम बेईमानी हो तो फिर वो क्या होता है, वो ऐसे नर्व को काटने के समान है, वो उसको सहन नहीं होता और वो स्पष्टीकरण के जगह पे तभी कोई विस्फोट हो जाता है तभी। तो हमें क्या काटना भी है तो दूर काटना है, मतलब उनको ये मत पूछो तुमने कभी बेईमानी की थी क्या, मैं बहुत ही क्रूडली बोल रहा हूँ, हम कभी ऐसे बोलेंगे नहीं जा सकते, पर उदाहरण दे रहा हूँ सर कि उस प्रसंग वहाँ पे क्या हुआ था, तो वो क्या है, हम जानकारी, अगर हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो बात अलग है, अगर हम कुछ जजमेंट दे रहे हैं तो वो बात अलग है। तो इसीलिए स्पष्टीकरण करते समय अगर हम ऐसे करते हैं तो फिर क्या होता है, कई बार जो हमें हमारी संकल्पना परिवर्तित भी नहीं होगी तो कम से कम विस्तारित हो जाएगी, ठीक है ये व्यक्ति सोचता है पर ऐसे ऐसे भी हुआ था, तो शायद जो हमारा दृष्टि है हमारी संकल्पना है वो विस्तारित हो जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि लोग भी बदलते हैं, तो भले ही किसी कोई व्यक्ति ने पहले ऐसे किया हो उसका मतलब ये नहीं कि वो अभी भी वैसे ही होगा। तो हाँ ठीक है, ऐसे बोल सकते कि इस व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति का ऐसा वार्तालाप हुआ होगा तो उसी कारण उनके उनसे मैं सुना कि ये ऐसे व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति, पर ठीक है ऐसे नहीं कि हमेशा क्रोधी रहेंगे। तो इसीलिए वी शुड नॉट पुट परमानेंट लेबल्स ऑन एनीवन,
क्या कि हमें कुछ हद तक ऐसे लेबल लोगों पर डालने पड़ते हैं, ये व्यक्ति भूल जाता है हमेशा, तो इसमें बहुत जिम्मेदारी का काम होगा तो ये व्यक्ति इसको दे नहीं सकता है। पर ऐसे नहीं है कि हमेशा वो वैसे ही रहेगा, लोग परिवर्तित भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें अगर हमारी संकल्पना कोई बन भी गई है तो हमें वो संकल्पना की दृष्टि से ही केवल उसको नहीं देखना, ठीक है, शायद ये बदल भी सकता है। ही बात कर लेते हैं पसंद करते हैं, कोई ऐसा अपने आप को नहीं भूलेगा कि धारण का सब तो अपना ही समाज है। ओके, बात सही है। तो अगर हम किसी स्पष्टीकरण मांगते हैं तो फिर वो कोई व्यक्ति बताएगा ना कि मैंने गलती की है, तो वो अपनी सफाई देगा। ये बात सही है। और ये हमें भी ऐसे बोलना सोचना चाहिए सबसे पहले कि अपनी सफाई दे रहा है, ये उनका दृष्टिकोण। तो कैसे है कि सत्य जो है वह जानना बहुत मुश्किल है। मुझे एक इस्कॉन के जीवी ने एक प्रस्ताव लिखा था कि हमें इस्कॉन का इतिहास लिखना है, तो क्या आप इतिहास लिखने में लिख सकते हैं क्या? तो मैंने कुछ दो तीन प्रसंगों के बारे में कुछ भक्तों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, और वो तीन भक्त थे, वो एक ही परिस्थिति में थे, एक ही जगह में थे, और तीनों का जो दृष्टि था ऐसे लग रहा था कि तीन अलग प्रसंग है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ घटना हुई थी, क्या हुआ था? तो खास करके अगर कोई घटना ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल विवादास्पद है तो तभी लोगों का जो वितर्क होता है, जो लोगों का दृष्टि होता है, इतना अलग अलग होता है कि सत्य क्या है ये जानना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कहते हैं कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो सारा इतिहास जो होता है जीतने वालों ने लिखा होता है। जो हार गए होते हैं उनको कहाँ से इतिहास लिखेंगे? तो इसीलिए इतिहास अगर हम लिखते हैं तो वो सत्य होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं कि हिस्ट्री इज परमानेंटली डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ऐसे भारत और पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो विवादास्पद इलाका है, पर इतिहास जो है वो हमेशा के लिए विवादास्पद इलाका रहता है। तो इसीलिए सत्य क्या है यह जानना तो बहुत मुश्किल है। अब यह बोले कि पर हमें तो कार्य करना है तो हमें कुछ तो समझ चाहिए और समझ के अनुसार हम कार्य करेंगे, तो हाँ वो ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोला कि क्या होगा कि हम एक व्यक्ति से एक चीज़ सुनते हैं, दूसरे व्यक्ति से दूसरी चीज़ सुनते हैं, तो उससे क्या होगा हमें दृष्टि विस्तारित हो जाती है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है और ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, या ये व्यक्ति सफाई दे रहा है, ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है, नहीं। अभी क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, और वो दृष्टिकोण में भी ये बहुत सूक्ष्म है कि कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं वो जान बूझ के सत्य को है वो एक तरह से ट्विस्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं सफाई दे रहे हैं। पर कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो उनका जो दृष्टि है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, और फिर ऐसा नहीं है कि वो सफाई दे रहे हैं पर उनकी दृष्टि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे होता है कि फॉर ऑल ऑफ अस आवर फीलिंग्स आर फैक्ट्स फॉर अस, कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे सत्य होती है। तो इसीलिए क्या है ये हम किसी भी एक व्यक्ति के दृष्टि के व्यक्ति के वृत्तांत को संपूर्ण सत्य नहीं मानना चाहिए। तो व्यक्ति का चरित्र होता है, व्यक्ति का स्तर होता है, उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि ठीक है इस व्यक्ति की बात को मैं ज़्यादा जोर दूंगा, इस व्यक्ति की बात को मैं कम जोर दूंगा। पर कम से कम एक चीज़ होती है कि स्पष्टीकरण जब हम लेते हैं किसी से उससे एक और चीज़ होती है कि उस व्यक्ति को लगता है कि मेरी बात आपने सुनी। मैं अमेरिका में एक मंदिर में था, वहाँ पे एक अध्यक्ष से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे मुझे कि कैसे वो थोड़े एग्रेसिव मतलब क्या कार्य करना, ऐसे करना सब बहुत होता हूँ। तो तभी उनके खिलाफ काफ़ी दूसरे भक्तों ने कंप्लेंट किया, तो वहाँ पे जो जीबीसी आए थे, तो जीबीसी बोले थे कि अभी बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। तो फिर उन्होंने उनकी जीबीसी से बात की, उन्होंने कहा कि जब लोग आपसे कुछ बात करने आते हैं तो तुम्हें उनसे सहमति करने की ज़रूरत नहीं है,
पर उनको ठुकरा मत, वो जो बोल रहे हैं सुनो, सुनो और समझो क्या कह रहे। तो वो बोला था कि मैंने 6 महीने ट्राई किया है और उन्हें 90% में समस्याएं कुछ नहीं है। बोले कि इफ पीपल जस्ट फील अंडरस्टूड कि तुमने ऐसे किया तभी ये बहुत बुरा था, तो नहीं नहीं पर मैंने ऐसे इसलिए किया, हम स्पष्टीकरण देंगे मैंने ऐसे क्यों किया, पर हमने उससे लिया के मुझको बुरा लगा ये ध्यान ही दिया हमने उसके। ठीक है, या मेरे ऐसे करने की इच्छा नहीं थी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये बुरा लगा होगा। तो क्या है कि अगर हम लोगों से सुनते हैं, उनको समझते हैं, तो कैसे कि जैसे हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे हमारे हृदय के लिए समझना ज़रूरी है। जस्ट एज आवर body longs for oxygen, our heart longs for understanding. कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ वो समझना चाहिए। तो भले ही हम उनकी जो वृत्तांत है उसको स्वीकार ना करें बोलते, तो हम हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इसमें बहुत क्रोध आया होगा, उतना भी अगर हम उनको समझते हैं तो उससे भी क्या होता है उनका, अगर हम कैसे इमोशनल टेम्परेचर जो होता है, जो उनका जो भावना का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है, तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो अभी इस समय जब ऐसे परिस्थिति विपत्ति आ गई थी उनमें कि अभी ये जो दो फूट हो गई थी दोनों में, और अभी हनुमान कह सकते थे कि हनुमान तो सुग्रीव के साथ वन में रहे थे काफ़ी समय से, उन्होंने सुग्रीव को देखा था, और अभी सुग्रीव तो वानरों के राजा भी बन गए थे, तो अभी हनुमान सुग्रीव से कह सकते थे कि तुम हमारे राजा के खिलाफ बन पुकार रहे हो, तुम राजा के खिलाफ द्रोह कर रहे हो, तुम राजा के खिलाफ सारे वानरों को उकसा रहे हो, और हनुमान इस तरह से आरोप करके अंगद को और आक्रमण कर सकते थे, पर हनुमान जी ने ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हनुमान अंगद के कार्य को ही नहीं देख रहे थे, हनुमान अंगद के भाव को देख रहे थे। क्या भाव था? कि वो भी एक युवक था, अभी कुछ समय पहले उसके पिता गुजर गए हैं, वो एक प्रकार का सदमा है। उसके बाद में अभी एक पूरा वानरों का समूह है, उसमें उसको प्रधान बनाया गया है, पर वानरों के समूह में उससे भी अवरिष्ठ वानर अभी और है, उनको लीड करना इतना आसान काम नहीं है, तो वह काफ़ी टेंशन होता है। कैसे होता है कि अगर हमें किसी को कोई हमें कोई क्लास देने को बोलते हैं, तो अगर कोई नए लोगों का कार्यक्रम है और वहाँ पर हमको जाकर क्लास देने को बोला है, तो वो इतना मुश्किल नहीं है, अंदर देगा क्लास। पर अगर हमको मंदिर में क्लास देने को बोला है, वहाँ पर हमारे सारे भक्त, हमारे समान भक्त, हमसे वरिष्ठ भक्त, और वो बैठ के सुनने वाले हैं, तो फिर क्या होता है? तो फिर टेंशन होना जाता है। तो उसी तरह से क्या था, ऐसे अंगद को अकेले जाकर कुछ युद्ध करने को नहीं बोला था, उसको बताया गया था कि ये सारे समूह जो है युद्ध है उसको आपको नेता होना है, उसको आपका लीडर बनना है, तो ये बड़ा मुश्किल था। तो उसके लिए क्या था, ये एक तरह से उसकी पहली बड़ी सेवा थी और उसमें उसको अपयश मिला था। तो इंग्लिश में कहते हैं हर्ट पीपल, जो लोग खुद वेदना में हैं वो दूसरों को वेदना पहुंचाते हैं। तो ये क्या हो रहा था, तो हनुमान जी ने देखा, और तभी हनुमान जी ने अंगद से कुछ भी नहीं कहा कि तुम विद्रोह कर रहे, तो उनको समझाने लग गए कि सुग्रीव ऐसे नहीं करेंगे। पर क्या था, वो सुग्रीव के प्रति जो नकारात्मक भाव था उसके कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तो हनुमान जी मन ही मन प्रभु श्री रामचंद्र से प्रार्थना करेगा, अभी क्या करूँ मैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए, कृपया मदद कीजिए। और कभी कभी क्या होता है, जब हमारी कुछ समस्या होती है हमारे जीवन में और हम भगवान से मदद मांगते हैं,
तो कई बार मदद आती है बहुत ही अनपेक्षित पद्धति से, और कभी कभी तो हम समस्या का हल मांगते हैं और उससे बड़ी समस्या आ जाती है। तो अभी ऐसे ही हो गया, जब हनुमान जी प्रार्थना कर रहे थे क्या हो कुछ मार्ग बताओ, तभी अचानक वहाँ पे एक विशाल गीदड़ आ गया। और कौन था वो? संपत्ति। और वो चलते हुए आ गया और कहने लग गया, वाह आज तो मेरा भाग्य खुल गया है, इतने सारे वानर को खाने का मौका मुझे मिलेगा। और अभी जो गीदड़ होते हैं, गीदड़ी वल्चर जो गीदड़ होते हैं वो क्या, गिद्ध वे जो गिद्ध होते हैं तो वो क्या होते हैं, कई बार वो जानवरों को मारते नहीं, वो मृत जानवर खाते हैं, मृत्यु के पास में आए तो शायद उनका आक्रमण करते। तो अभी यह क्या हो गया, ये जो संपत्ति आया और वो धीरे धीरे चलते हुए आया और वानरों के बाजू में बैठ गया। और अभी अंगद बाकी सब जो वानर थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने प्रायव्रत लिया था। प्रायव्रत मतलब उपोषण कर रहे थे मृत्यु तक। तो बोले कि हम जनरल, उन्होंने अंदर ने कहा था कि हम वापस जाएंगे नहीं किश के अंदर, तो हम यहीं पे उपवास करके मृत्यु तक उपवास करेंगे। तो वहाँ पे आके वो उनके बाजू में बैठ गया और इंतज़ार करने लग गया, जैसे तुम गिर जाओगे मैं तुमको खा लूँगा। तो अभी मृत्यु तो भयास्पद होती है सबके लिए, पर यह सोचना कि मृत्यु के बाद मेरा शरीर कोई काट के खा लेगा वो और भी भयानक होता है। सारे जो वानर थे वो तो भय, वो थोड़े विचित हो गए, भयभीत हो गए। और तभी अंगद उनके बाजू में जो वानर था उसे कहने लग गए कि हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम राम की सेवा के लिए निकले पर राम की सेवा में हम अयशस्वी हो गए। जिस तरह से जटायु की मृत्यु हो गई राम की सेवा में, वो यश नहीं प्राप्त कर पाए, ऐसे लगता है हमारी भी वही गति होगी। अभी जैसे ही संगत ने जटायु के शब्द का इस्तेमाल किया, तुरंत जो उनके बाजू में संपत्ति बैठ गए वो उठ गया, जटायु क्या बोलो तुम जटायु के बारे में बताओ मुझे। हाँ जैसे उसने विचारों के जटायु का नाम सुनते उसका चौकन्ना हो गया, और फिर जो वचन उसने सुने तो क्या हुआ, वो उनके मन में रजिस्टर हो गया। कई बार अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और कोई कुछ बात कर रहे हैं, बात करते समय शायद वो हमारा नाम लेते हैं, तो हम क्या एंटेना उठ जाते हैं क्या बात कर रहे हैं, और फिर जब हम सुनते हैं तो फिर वो रजिस्टर होता है, ऐसे बात कर रहे हैं ठीक है। तो फिर जटायु जैसे हार गया, जटायु जैसे मृत्यु हो गई, संपत्ति की फ्रोज कर गया, एकदम निष्क्रिय हो गया। फिर वो बोलने लगे कि जटायु कुछ हो गया है बताओ मुझे। तो फिर हम कहने का तुम जटायु को जानते हो? जानता हूँ, मैं तो जटायु का बड़ा भाई हूँ, इतने सालों से हमारा विरह हो गया। और फिर उसने पूरी कहानी बताई कैसे वो सूरज तक पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, और जब उठते सूरज के पास चले गए तो उसकी जो किरणें थी इतनी गर्म हो गई, इतनी कि वो जटायु जलने लग गया। तो इसलिए एक बड़े भाई के रूप में संरक्षण करने के लिए अपने पंख संपत्ति ने फैलाया, और संपत्ति जब फैला है तो संपत्ति के पंख जल गए और नीचे गिर गए, जटायु बच गए पर जटायु कहीं और चले गए, और तब से दोनों बिछड़ गए थे। तो अंगद ने पूरी कहानी बताई, अंगद ने जब पूरी कहानी बताई तो फिर संपत्ति रोने लग गए, और फिर संपत्ति ने कहा कि यहाँ पास वो सागर के तट के पास मिले गाओ, सागर के पास मुझे ले गाओ, मैं कुछ जटायु को जल अर्पण करना चाहती हूँ। फिर उसको लेके गए, उसने जल अर्पण किया, और फिर भी ये वानर जटायु इसकी संपत्ति की दशा को देख रहे थे कि संपत्ति का भी मन थोड़ा और विनोद हो गया, तो तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तो फिर उसने बताया कि कैसे मैं जब यहाँ पर नीचे गिर गया तो एक ऋषि, मैं यहाँ पर विलाप कर रहा था, खेद कर रहा था, दुख में था, तभी एक ऋषि आ गए और उन्होंने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा का शासन होती है और ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारे पंख तुम्हें वापस दे सकता हूँ पर मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा, भविष्य में राम के सेवक आएंगे और भगवान अवतार लेने वाले हैं और उनके सेवक जब यहाँ पे आएंगे तो तुम उनकी सेवा कर सकते हो। तो अभी ये जो बता रहा था तभी अपने विचारों में था, इतिहास बता रहा था और तभी अंगद ने सुना और अंगद सोचने लग गया। अंगद ने पूछा, हम सीता को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हें, क्या तुम जानते हो सीता कहाँ गई है? और जैसे ही उसने सुना ये तुरंत उठ गया, पता शुक्र जब माता जाते तो ऐसे होते उत्साही होते तो उठ जाते हैं। समझ गया कि वास्तव में वो जो ऋषि ने बताई थी मुझे भगवान की सेवा का मौका मुझे मिलने वाला है वो अभी मौका मिल गया। कहने लगा कि भले ही मेरे मेरे पंख चले गए हैं पर अभी तक मेरी दृष्टि बहुत तीक्ष्ण है और पूरा मैं अभी देख सकता हूँ कि रावण एंड सीता को यहाँ से ले गया है और ये सागर के परे लंका है और लंका में सीता ने रावण ने सीता को वहाँ पे रखा हुआ है। तो जैसे ही ये सुना तो सारे जो वानर है उत्साही हो गए, उत्तेजित हो गए, वो उत्सव करने लग गए, बड़े आनंद कर रहे कि हमें पता चल गया सीता कहाँ है, पता चल गया सीता कहाँ है। तो अभी यहाँ पे इस प्रसंग में हम दो चीज देखेंगे कि सबसे पहले जो जो समस्या में थे वो तो समस्या के हल की प्रार्थना कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, उसमें क्या हो गया उससे और बड़ी समस्या। जब बड़ी समस्या आ जाती है तो कई बार हम हताश हो जाते हैं, जब हताश हो जाते हैं तो बोलते हैं क्या है, मैं भगवान से मदद मांग रहा हूँ पर उससे बड़ी समस्या आ रही है। पर क्या है, कभी कभी छोटी समस्या का हल होता है बड़ी समस्या और बड़ी समस्या का हल शायद उससे बड़ी समस्या हो, ये क्या बात हो गई, समस्या का हल समस्या कैसे हो सकते। क्या है, समस्या जब होती है तो समस्या में दो चीज़ें होती हैं, एक है कि वो बाहर की परिस्थिति जो जो कठिन है पर दूसरा है कि हमारे मन की बुद्धि, हमारा मन ऐसे है कि कई बार छोटी समस्या को बड़ा बना देता है, छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देता है। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कुछ खाने के लिए है ही नहीं तो फिर वो कुछ खाना मिल जाता है तो फिर कुछ भी खाना हो संतुष्ट हो जाएगा, मुझे खाना मिल गया। पर कुछ व्यक्ति, कोई व्यक्ति है कोई मेजबानी खा रहा है और उसमें 10 व्यंजन है, 9 बड़े स्वादिष्ट बनाए हैं, 10वां भी स्वादिष्ट है पर उतना अच्छा नहीं, तो क्या होगा, वो शिकायत करेगा, क्या है तुम अच्छे से बनाते नहीं, ये अच्छा नहीं बना, ये अच्छा नहीं बना, ये अच्छा नहीं बनाए। तो अभी वो अच्छा नहीं बनाए वो व्यंजन वो सत्य है और एक तरह से जब हम कुछ पका रहे हैं तो अच्छे से सब कुछ पकाना चाहिए, तो अच्छा नहीं बनाया तो सत्य है पर वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पर जब जब वो एक छोटी समस्या है और छोटी समस्या को हम बड़ा बना देते हैं, तो एक व्यक्ति मेजबानी के लिए गया है और वहाँ पर उसको एक चीज़ अच्छी नहीं होती, तो वह कई बार लोग शादियों के लिए आते हैं तो शादियों के लिए आते हैं वो शादी में जाता है खाना खाने के लिए और शादी कितनी अच्छी है वो देखते हैं उसको कितना अच्छा खाना वहाँ मिल रहा है तो उसके आधार पर जाते हैं और फिर उसमें एक चीज़ भी अच्छी नहीं होती, क्या है कुछ अच्छे से नहीं बनाया था। तो ऐसे जब होता है फिर बाद में अगर वो घर में आते हैं और फिर वहाँ पर कुछ खा रहे और अगर मान लीजिए कुछ समस्या आ गई है उनके घर में कुछ खाने के लिए है ही और फिर तभी भी कुछ खाना करेगा तो बड़े कृतज्ञ हो जाएगा, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिया मुझे। तो क्या है, एक व्यंजन अच्छा नहीं बनना है बना है वो एक समस्या है पर उसके बारे में कोई शिकायत बार बार कर रहा है तो अगर तभी उसको खाना ही नहीं है
तो वो उससे बड़ी समस्या है. पर ये बड़ी समस्या क्या करता है, हमारा मन छोटी समस्या से निकाल देता है. हमारी समस्या है वास्तव में, वो समस्या है, पर कई बार वो समस्या कितने बड़े है वो हमारे मन पे निर्भर होता है. लाइफ डिटरमिन्स आवर प्रॉब्लम्स, आवर माइंड डिटरमिन्स द साइज ऑफ द प्रॉब्लम्स. वो समस्या की मात्रा हमारा मन कई बार निर्धारित करता है. तो इसीलिए जब उससे बड़ी समस्या आ जाती है तो फिर क्या होता है, उस बड़ी समस्या का सामना करने के लिए जब हमारा मन लग जाता है तभी छोटी समस्या निकल जाती है. तो इसीलिए कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं समस्या का हल के लिए और दूसरी समस्या तभी आ जाती है. तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान मदद नहीं कर रहे हैं, भगवान मदद कर रहे हैं, पर शायद कभी कैसे हो सकता है कि वो बड़ी समस्या के कारण हमारा मन छोटी समस्या से निकल जाता है और उससे हमारा, हम जो छोटी समस्या को बड़े बना रहे हैं वो उतनी बड़ी नहीं रहती है. इसीलिए भगवान का, हमारे प्रार्थना का जवाब अलग अलग पद्धति से आ सकता है. और हमें, अगर हम सेवा भाव रखते हैं कि भगवान आप मेरे सेवा, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे प्रभु हैं, तो कोई भी समस्या छोटी आए बड़ी आए हमें मार्ग मिल जाएगा. तो ये समस्याओं का हल कभी समस्या हो सकता है, यह एक बड़ी दिलचस्प बात है. इसमें क्या होता है, कभी कभी हम कुछ भक्तों में मतभेद हो जाते हैं. ठीक है, मतभेद तो है, पर कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो सारे भक्त साथ में जाते हैं कि हमें सब में साथ, हमको ये इतनी बड़ी समस्या आ गई हमें सबको साथ निकाले. तो कई बार ऐसे होता है कि भगवान बड़ी समस्या इसलिए भेजते हैं कि हम छोटी समस्याओं को बड़ा न बनाए. तो इसलिए भगवान के जवाब अलग अलग पद्धति से आ सकते हैं. तो किसी कोई सवाल है इसके बारे में, जिसका मैं एक और पॉइंट बताऊँ फिर उसके बाद में हम कंक्लूड करके कुछ और सवाल ले सकते हैं. दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें कि अभी उस समय जब संपत्ति आ गया था वहाँ पे, और संपत्ति यहाँ पे उनको इंतजार कर रहा था कि कब ये सब गिर जाएगा मैं खा लूँगा, तभी अकस्मात ही अपने आप ही अंगद ने जटायु का उल्लेख किया. वास्तव में से जटायु का उल्लेख करने की जरूरत नहीं थी, और अंगद तो जटायु को जानता भी नहीं था. अंगद तो जटायु को भी मिले नहीं थे, जहां तक रामायण वर्णन तक कभी मिले नहीं थे. पर फिर भी उस समय अंगद जटायु का उल्लेख क्यों किया, कैसे किया? एक तरह से यहां पे हम देख सकते हैं कि अंगद का अभी भी सेवा भाव कम नहीं था. अभी क्या था, अंगद यहाँ पे है, सुग्रीव यहाँ पे, राम यहाँ पे. तो अंगद वानरों के राजा सुग्रीव उनके अधीन में सेवा कर रहे थे, और उनके ऊपर कौन थे, राम थे. तो अभी अंगद का संशय सुग्रीव के प्रति था, पर अंगद को संशय राम के प्रति नहीं था. अंगद का राम की सेवा करने के बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं. उस पद्धति में मैं कैसी सेवा करूं उसके बारे में बहस था. तो क्योंकि अंगद का सेवा भाव बरकरार था, उस सेवा भाव के कारण उसने अपनी परिस्थिति राम के दूसरे के सेवक से तुलना की. तो और उस तुलना करते हुए उसने वचन बोल दिए कि जो जटायु की स्थिति हुई वह मेरी है, अब शायद हमारी परिस्थिति अभी है. तो इसे अभी जब हमारा सेवा भाव होता है तो कोई भी व्यक्ति, हमें यह भी समझना चाहिए कि मेरा भगवान से संबंध है यह इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति मेरे बीच, मेरे भगवान के बीच में नहीं आना चाहिए. तभी क्या होता है, यह अगर मान लीजिए हम यहाँ पे है भगवान, हम यहाँ पे, और कोई भौतिकवादी व्यक्ति है और वो हमको बोलता है चलो ऐसे करते, कोई अभक्ति के भक्ति के विरुद्ध कुछ कार्य करने को बोलता है, तो हम बोले कि नहीं ये नहीं करूँगा. हम भले ही उनसे बहुत करीब हो फिर भी हम अगर वो कुछ गलत कार्य करने को हम नहीं करेंगे. तो कोई आसक्ति के कारण अगर हमें भगवान से दूर खींचता है
तो हम वो आसक्ति को काटने का प्रयास करेंगे। पर इसके विपरीत अगर कोई हम किसी के प्रति घृणा करते हैं, राग और द्वेष होता है, तो द्वेष होता है कभी कभी, तो कभी कभी द्वेष इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वो द्वेष के कारण हम उस व्यक्ति को हम में और भगवान में आ देते हैं। कभी कभी कुछ दो भक्तों में झगड़ा हो जाता है, और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में था एक मंदिर में, दो भक्तों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, तो फिर वो दूसरे भक्त दोनों भक्तों में बात कर रहा था, तो दूसरे भक्त बता रहे थे कि जब तक ये भक्त मंदिर में आएगा मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा। तो मैं उनको बोला था कि मतलब आपकी भक्ति इस व्यक्ति पर निर्भर कर रही है, तो साधारणता आसक्ति के कारण भगवान से दूर नहीं जाएंगे, राग के कारण दूर नहीं जाएंगे हम, पर द्वेष के कारण दूर हो जाते हैं। तो ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति से हमारा जमता नहीं है, कुछ उस व्यक्ति ने हमारे हमारे साथ अपनी बुरा कार्य किया है, सत्य है, हो सकता है सत्य है, और मान ली सत्य भी है, फिर भी हमारा भगवान के प्रति सेवा भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये व्यक्ति ने ऐसे किया मेरे साथ, पर फिर भी ये व्यक्ति मेरे और भगवान के बीच में नहीं आना चाहिए। कैसे कभी क्या होता है, हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे अलग अलग तो संबंध होते हैं, कुछ वरिष्ठ होते हैं, कुछ हमारे बराबर के होते हैं, और कुछ अगर वरिष्ठ भक्त है या बराबर के भक्त है कोई हमारे साथ बुरा कार्य करते हैं, तो फिर हमें बहुत बुरा स्वाभाविक है कि बुरा लगता है, और फिर यहाँ मंदिर में जाऊँ ना जाऊँ, भक्ति करूँ ना करूँ, ऐसे सोच लेते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो अलग अलग भक्त है, हमारे अलग अलग संबंध है, ये सब क्या है, अलग अलग मार्ग है जिससे कि हम भगवान से संबंधित हैं। तो ठीक है, अगर एक मार्ग बंद हो गया है तो अभी दूसरे मार्ग तो चालू रखने चाहिए। ये अभी तो ठीक है, इस भक्त से मैं जानता नहीं है, तो ठीक है मैं इस भक्त से थोड़ा दूर रहूँगा अभी, पर वो भक्त के कार्य के कारण मैं मेरा सेवा भाव नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे भक्ति का सेवा भाव नहीं, भक्ति का भाव नहीं छोड़ूंगा। तो जब स्वांगद ऐसा करते हैं, अंगद के हृदय में राम के प्रति सेवा भाव अभी तक था, भले सुग्रीव के प्रति उनको थोड़ी घृणा थी, और वो सेवा भाव के कारण क्या हो गया, उनके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में, और भगवान ने उनको वचन बोल दिए कि चटाई के और वह सुन के संपत्ति का भाव पूरा बदल गया, और संपत्ति जो एक तरह से उनका उनके लिए विपत्ति के रूप में आया था, संपत्ति उनके लिए एक नया मौका देने लगा, नया मार्ग बता दिया। इसलिए अगर हम सेवा भाव रखते हैं हमेशा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी भक्त हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, ठीक है वो परिस्थिति से हमें हम घायल हो सकते हैं, हमें दुख हो सकता है किसी व्यक्ति कार्य से, पर हम हमारी भक्ति के सेवा भाव में व्यक्ति नहीं आते। ठीक है, मैं इसके साथ ऐसे नहीं कर सकता, मैं इस व्यक्ति से दूर रहूँगा, इस परिस्थिति से दूर रहूँगा, पर फिर भी मेरी भक्ति में करते रहूँगा, और अगर वैसा भाव रखेंगे तो धीरे धीरे भगवान ददामि बुद्धि योगमितम, मैं मार्ग बता देगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम हमारे भगवान के यानी के मार्ग में अग्रसर रह सकते हैं, और जो भी समस्या है उसका हम कैसे हल ढूंढ सकते हैं, यह भगवान हमें मार्गदर्शन दे देंगे, अंदर से बाहर से कहाँ से देंगे वो हमें पता नहीं है, पर अगर हम वो भाव रखेंगे तो कोई व्यक्ति कुछ ऐसे बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे, कहीं ना कहीं से कहीं भगवान मार्ग बता देंगे। जब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे भारत में, तो उन्होंने वो बैक टू गॉडहेड मासिक भगवत दर्शन मासिक वितरित कर रहे थे, और कोई ले नहीं रहा था, और तभी प्रभुपाद जी चल रहे थे क्या करूँ, बहुत मेहनत कर रहे थे प्रभुपाद जी भगवत दर्शन वितरण छापने के लिए, वितरण करने के लिए, और अचानक एक साधारण व्यक्ति पोस्ट में, स्वामी जी आप ये मासिक बांट रहे हो, मासिक लोग पढ़ेंगे फेंक देंगे, आप ग्रंथ लिखो, ग्रंथ लोग हमेशा के लिए। तो अभी यह व्यक्ति अपने आप ही, उस व्यक्ति ने क्यों बोला वैसे, शायद अभी साधारण लोग तो स्वामी जी स्वामी को आओ कोई एडवाइस देता नहीं है, तो हम थोड़ा उचित नहीं लगता है कि, पर फिर भी व्यक्ति ने ऐसे एक सुझाव कर बता दिया, और प्रभुपाद जी क्या देखा,
मेरे गुरुदेव मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। और फिर वर्मा जी ने भागवतम जब लिखा 1963-64-65 में, एक विभाग वॉल्यूम भागवतम के पहले स्कंद का उन्होंने छाप लिया, और जब वो 3 वॉल्यूम रेडी हो गए वर्मा जी को लगा अभी मैं तैयार हूँ अमेरिका जाने के। वो उनके लिए जो शस्त्र थे उनके शस्त्र के रूप में बन गए। तो इस तरह से भगवान हम जब समस्या में होते हैं कहीं से ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर हम सेवा भाव बरकरार रखते हैं तो हमारे वचनों से, दूसरों के वचनों से, हमारे कार्यों से, दूसरों के कार्यों से, किसी परिस्थिति से, कहीं से भी भगवान हमें मार्गदर्शन देके, प्रेरणा देके हमें आगे ले जा सकते हैं। और सारांश में हम जैसा कि किस तरह से कि हमारे जीवन में संशय कैसे आते हैं और उसके परिहार कैसे जा सकते हैं। तो अंगद के मन जब अंगद नेता थे वानर युद्ध के, तभी उनके मन में जो सुग्रीव के प्रति घृणा थी, तो संशय था, नकारात्मक भाव था, वह प्रकट हो गया। कब? जब उनको अपयश मिल गया, वो सीता को खोज नहीं पाए। तो ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जब समस्याएं नहीं होती है तो भले ही कुछ नकारात्मक भाव वो छिपे हुए रहते हैं, और जो नकारात्मक टेंशन होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं जब हम समस्याएं आती है। तो जब हमारे मन में नकारात्मक भाव किसी के प्रति आता है तो वो केवल उनके कार्यों के कारण नहीं, कार्यों से ज़्यादा हमारे मन में उनके बारे में संकल्पनाएं जो हैं उसके कारण हैं। इसलिए कई अगर हमारे संकल्पनाओं को हम परिवर्तित करते हैं या कम से कम संकल्पनाओं को विस्तारित करने का प्रयास करते हैं तो फिर उससे हम नकारात्मक भाव को कम कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति के मन में नकारात्मक भाव आते हैं तो हमारी संकल्पना में परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना है, हमें स्पष्टीकरण, तो जो संकल्पनाओं को परिवर्तित करने के लिए हम और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को बुरा मानने की जगह पर, उस व्यक्ति कार्य को बुरा मानने की जगह पर परिस्थिति क्या है उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो दूसरा हम देखा, कई बार हमें समझ दूसरे पॉइंट देखा कैसे जब वो वानर मृत्यु के लिए तैयार हो गए थे तभी संपत्ति वहाँ पे आ गया। हनुमान जी प्रार्थना करते कैसे मार्ग निकाले इसमें से, और तभी अचानक एक बड़ी समस्या आ गई, और बड़ी सर। तो कभी क्या होता है, हम एक समस्या का हल चाहते हैं भगवान से और दूसरी समस्या आ जाती है। तो यह ऐसे नहीं कि भगवान हमारे प्रार्थना को नहीं सुन रहे, पर कभी क्या क्या होता है, छोटी समस्या का हल हमें ढूंढने के लिए क्या होता है, कभी कभी जो मन उस छोटी समस्या को बड़ा बना रहा है तो फिर बड़ी समस्या की बात यह है तो मन अपने आप उस समस्या से उग जाता है। तो इसलिए जैसे व्यक्ति कुछ मेजबानी में एक व्यंजन अच्छा नहीं है और खाना ही नहीं है तो जो शिकायत कर रहा है कोई अच्छा नहीं है तो शिकायत खत्म हो जाएगी, अगर खाना ही नहीं मिल रहा है खाना मिल जाएगा। तो इसीलिए समस्या भी आ रही है तो हमें ये नहीं सोचा कि भगवान मदद नहीं कर रहे, कुछ भगवान को कुछ अलग योजना हो सकती है, और वो योजना समझने के लिए हमें हमेशा सेवा भाव बरकरार रहना चाहिए, रखना चाहिए। तो अंगद ने एकाएक जटायु का उल्लेख किया, संपत्ति की वृत्ति बदल गई पूरी। तो वो उल्लेख क्यों किया कि भले ही उनको सुग्रीव के प्रति संशय था पर राम के प्रति कोई संशय नहीं था। तो हो सकता है कभी कभी हमारे किसी भक्त से जमे नहीं और उस भक्त के प्रति नकारात्मक भाव आ जाए, घृणा आ जाए, पर उसके कारण हमारा भगवान के प्रति सेवा भाव में कम नहीं होना चाहिए। भगवान का सेवा भाव रखेंगे तो भगवान हमें अंदर से बाहर से कहीं ना कहीं मार्ग बता देंगे और हम उस समस्या का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।